हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। मेरा नाम शालिनी है और मैं पेरिस में रहती हूँ और यहाँ सब अच्छा है। रियांश का आज से हॉलीडे स्टार्ट हो गया। अभी रियांश का 15 to 17 डेज का हॉलीडे रहेगा। अभी इसको लेने गई थी और अभी बारिश होने वाली है, तो बादल बहुत ज़्यादा है। बहुत हवा चल रही है। ये क्या कर रहे हो? क्या छुपा रहे हो? दिखाओ किधर है। मस्ती चालू है। आपने देखा मैंने आपके लिए क्या लाया? ये ऐसे ही करता है, पापा आ जाते हैं ना, पापा फ्रेश हो रहे तब तक रिमोट लाके छुपा देगा और फिर पापा ढूंढेंगे, फिर पापा को ले जाके देगा। और आजकल रियांश को ये पार्ले जी बिस्किट बहुत पसंद आ रही है, सो उसके पापा ने बहुत सारा ला दिया है उसके लिए। रिमोट बहुत खुश है वो। रिमोट कहाँ है? रिमोट सो गया है। हाँ? नहीं आएगा। कहाँ सो गया है? अच्छा, वही छुपा रहा है क्या? हाँ। और व्हाट इज दिस? वाओ, और क्या लाए हैं? रिमोट सो गया है। ओपन किया जस्ट वैसे ही। हम यहाँ पे ऐसे ट्राई करते रहते हैं सब। अच्छा है टेस्ट में, हस्बैंड ने रेस्ट किया। और अभी हमें बाहर निकलना है तो फटाफट मैंने लंच बना दिया, दाल ढोकली और पापड़ और सिरका के साथ उसे खाया, बहुत यम्मी बना था। और यहाँ पे एक फ्लैट देखने आए थे और ये फर्स्ट बेडरूम है और ये थोड़ा फर्निश घर है। ये सारे फर्नीचर तो नहीं रहेंगे जो आपको दिख रहे हैं, बट कुछ कुछ रहेंगे, सो वही देखने आए थे। ये ऐसे ही हमने ट्राई के तौर पर देख लिया कि फर्निश हाउस कैसा होता है। और यही बेडरूम है, साइड में थोड़ा स्टोरेज है, एज आप अपना वार्डरोब कर सकते हो उसे। ये सेकेंड बेडरूम है, सो ये रहा बेड। दोनों रूम में बेड रहेंगे ये कंफर्म है, और ऑलरेडी यहाँ पे अभी कोई रह रहा है। और यहाँ पे भी स्टोरेज है, वार्डरोब कर सकते हो। ये बाथरूम है और बाथरूम में बाथ टब है इधर। यहाँ पे मेरे अभी जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे अलग है, बट यहाँ पे बाथ टब था और यहाँ साइड में ये था वॉशिंग मशीन और ऊपर स्टोरेज अच्छा था बाथरूम में। और उसके बाद यहाँ पे और स्टोरेज था, सो वो भी मैं ओपन करके पूरा चेक कर रही हूँ कि कैसा है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना होगा तो फिर चेक की रहूँगी प्रॉपर, तो फाइनलाइज़ कर सकती हूँ। ये घर में इसके पहले भी एक बार आके देख के जा चुकी हूँ, तब मैंने ब्लॉग नहीं किया था। यहाँ पे छोटा सा ड्राई एरिया है, सो वहाँ पे भी कुछ अगर आपको स्टोरेज करना है, कुछ करना है तो आप कर सकते हो। ये टॉयलेट है, टॉयलेट और बाथरूम सेपरेट है। और ये रहा एंट्री, एंट्री का मुझे ये लॉक सिस्टम अच्छा लगा, क्योंकि अभी वाले में मेरे में बस नॉर्मल लॉक है, सो मैं वो देख रही थी कि लॉक प्रॉपर है कि नहीं। और जस्ट एंटर होने के बाद एक वार्डरोब है, सो आप अपने जैकेट्स वगैरह वहाँ हैंग कर सकते हो। इस घर का मेन जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो हॉल है, क्योंकि हॉल बहुत बड़ा है और हॉल में वेंटिलेशन बहुत अच्छा है और साथ ही साथ ओपन किचन है, सो किचन में भी काफ़ी अच्छा स्टोरेज वगैरह है। पूरा डिटेल में तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, ऐसे रैंडम कर लिया है। और इसमें गैलरी भी है और गैलरी के बाहर व्यू बहुत अच्छा है, सो बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि सामने ग्रीनरी है और साथ में एफिल टावर का व्यू भी है। बट अभी कैसे वो आपको ऑटम सीजन में ही दिखेगा, क्योंकि सामने ट्री है इसके वजह से नहीं दिख रहा है। और किचन अच्छा है, काफ़ी बड़ा है और एक कॉर्नर में है करके ठीक है। और ये रहा व्यू बाहर का, जो कि ये सोसाइटी के ही पीछे का गार्डन है और व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। सामने
आरईआर की लाइन गई है तो ट्रेन आती जाती रहेगी, बट उसका कोई भी शोर वगैरह घर के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जो भी विंडो लगे हैं वो सब ऐसे लगे हैं कि बाहर की आवाज़ अंदर ना आए। काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल ठीक लगा है। और इसमें लिफ्ट भी है छोटी सी, सो मैंने वो भी रिकॉर्ड किया, क्योंकि विदाउट लिफ्ट पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये थर्ड फ्लोर पे है। और नीचे यहाँ पे बेसमेंट में एक स्टोरेज का प्लेस भी है। यहाँ जनरली ऐसा होता है कि बेसमेंट में हर घर के अकॉर्डिंग छोटे छोटे ऐसे स्टोरेज के लिए प्लेस बना के देते हैं, वहाँ पर आप अपना कुछ भी डंप कर सकते हो। सो ये वो एरिया है। और ये रहा मेरा एंट्रेंस, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल करने के लिए दोनों पार्टी का एग्री होना ज़रूरी है। अगर हम एग्री हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें वो फ्लैट मिल ही जाए। सो अभी सामने वाले का रिस्पांस मेन है, हम एग्री हो गए डजेंट मैटर, बट सामने वाला भी होना चाहिए। सो हमें ओवरऑल अच्छा लगा है, आगे मैंने डिटेल में बताया है आपको मेरी फीलिंग, सो एंड तक ज़रूर देखें। वो देखो रियांश उधर है, उधर गया, ये देखो 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 मैं कर सकता हूँ। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे स्विट्ज़रलैंड ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उसके व्यूज़ भी अच्छे आए हैं, वॉच टाइम भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। मैंने पहले ये गौर नहीं किया था, बट अभी मैंने जस्ट देखा कि आप लोग मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स को हमेशा ही प्यार देते हो, चाहे वो इंडिया के ब्लॉग्स हों, चाहे बेल्जियम का हो, स्विस का हो, कोई भी ट्रैवलिंग ब्लॉग हैं, वो सब में आपने बहुत सारा प्यार दिया हुआ है। सो मेरे और भी ट्रैवलिंग ब्लॉग हैं जिसे मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, मैं उसे जल्द से जल्द एडिट करके अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और मेरे डेली ब्लॉग्स को भी आप ऐसे ही प्यार दीजिए जैसे मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग को आप लोग दे रहे हो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और ऐसे ही प्यार अपना देते रहो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने फैमिली के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच। मस्ती कर रहे हो? हाँ करो करो, अच्छा लग रहा है। और देखो आपके बाल को कट करने की जरूरत पड़ी है रेयांश। हाँ हाँ करो, देख रही हूँ। मम्मी मम्मी मैं देखो यहाँ पे बेबे। हाँ नहीं अच्छा स्टाइल है रेयांश का, तो देख रही हूँ। घर पसंद आया, कैमरे में देख के बोलो। घर पसंद आया था और वहाँ पे एक बड़ा बेडरूम था, उस बेड को बड़ा बना दिया और रिमोट भी है पीछे, वो पीछे हो जाओ और पीछे बस अभी बोलो। और वहाँ पे सॉक गेट भी था, इंडिया सॉक गेट। ओके और वो घर तो बना रहा हूँ तीन नेवल। ओके ठीक है, बाय बाय। मैं क्लियर दिख रही हूँ हस्बैंड इसमें, मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा बोल दिया, सब हो गया, हस्बैंड ने पूरा रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन हुआ क्या, हस्बैंड ने वीडियो ऑन ही नहीं किया था। मतलब इतना कुछ मैंने बोला, कुछ कम से कम 5 मिनट्स, लेकिन वीडियो बंद था। ओह माय गॉड। सो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अभी हम एक फ्लैट देखने गए थे, जो आई थिंक 2 डेज़ पहले भी मैं देख के आई, बट मुझे इतना क्लियरिटी नहीं मिली। बट इस बार यहाँ तक डालो, शायद आपका कैमरे पे आ रहा होगा। सो अभी हस्बैंड के साथ गई थी, सो भी सारा मेरा जो कन्फ्यूजन था सब क्लियर हो गया, और बहुत ही अच्छा घर है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही है, और नियर बाई है, रेयांश का स्कूल वगैरह का मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, और काफ़ी अच्छा है। और अभी मैंने उसका एक रॉ वीडियो बनाया है, मेरा फाइनल हो जाएगा फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रेयांश को भी पसंद आया है, इनको भी पसंद आया है, और मुझे भी पसंद आया है, उसका व्यू बहुत अच्छा है, और उसका जो घर है वहाँ से एफिल टावर भी दिखता है।
सो मतलब सामने का व्यू आप लोग को जब दिखाऊंगी आप लोग बोलोगे वाओ कितना प्रीटी है, कितना सुंदर है। यहाँ पे हाउस हंटिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, अगर आपको मिलेगा तो क्विकली मिलेगा, अदरवाइज़ समय लग जाता है, क्योंकि आपके भी प्रेफरेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग मिलना डिफ़िकल्ट होता है। और इजी नहीं है कि आपको पसंद आ गया आप नेक्स्ट डे शिफ्ट हो जाओ, नहीं, यहाँ पे प्रोसेस है उसे आपको फॉलो करना होता है, वो सब भी मैं डिटेल में शेयर करूँगी, मेरा एक बार हो जाएगा उसके बाद। और मेरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है और वीज़ा है वो अगस्त एंड में फिनिश हो रहा है, फिर भी मैं घर क्यों चेंज करी हूँ, क्या रीज़न है, वो सब भी आने वाले कुछ ब्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले ये घर का एक बार हो जाए, क्योंकि हमें पसंद आ गया ज़रूरी नहीं है कि ओनर भी अप्रूव कर दे, क्योंकि फ़ाइल अप्रूव करना उसके हाथ में है, और हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं लेना है, क्योंकि रेंट पे हमें इतना पैसा डालना वर्थ इट नहीं लगेगा, नहीं लग रहा है इन शॉर्ट इसके लिए। और होप सो क्रॉस फिंगर हो जाए जल्दी से सब कुछ अच्छे अच्छे से, आप लोग भी प्रे करिएगा। और फिर मैंने रात के डिनर के लिए बनाया है दाल और पूड़ी, दाल मैंने तड़के वाली बनाई है और पूड़ी मैंने हरे चने की पूड़ी बनाई हुई है, और साथ में मखाने का खीर है। और ये चने, हरा चना जो हरभरा मिलता है उसे भिगा के पीस के और आटे के साथ सान के फिर मैंने बनाया है, स्टफ़ वाला नहीं है। और यहाँ पे मैंने मखाने का खीर ट्राई किया था, आज हस्बैंड को कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था सो मैंने बोला ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा क्विक दिख रहा था और मुझे ट्राई भी करना था, सो थोड़ा और थिक करना था, बस समय नहीं था मेरे पास ज़्यादा इसके लिए, थोड़ा और थिक करती तो और अच्छा लगता। और ये पूड़ी बहुत ज़्यादा यम्मी है, आप लोग भी बनाइएगा, बहुत यम्मी लगता है और इजी है, क्विक है। और ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।